हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से पेंशनर्स की देनदारियों को जल्द देने की मांग की है। एसोसिएशन ने सीएम से भी मुलाकात कर पेंशनर्स के मामलों को हल करने के लिए जेसीसी के गठन की मांग की है। हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द जेसीसी का गठन करने की बात कही है। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के लाभ बकाया 80% पेंशन भोगियों को दिया जाए, लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते का 4% की दर से भुगतान किया जाए, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंडिंग देनदारियों को भी दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले में जेसीसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष को भी 11,30,00,000 रुपए दिए हैं। आगे भी मदद की जरूरत होगी तो एसोसिएशन दान देगी। शर्मा, प्रेसिडेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। रविंद्र सिंह स्कू से हमने एसोसिएशन ने मुलाकात की। इस मुलाकात में हमारे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे वो उपस्थित थे। कांगड़ा से सुरेश ठाकुर थे, हरिदत्त शर्मा जी जो थे हमारे सिरमौर थे, वाइस प्रेसिडेंट कुल्लू से थे और जॉइंट सेक्रेटरी थे हमारे। और एक हमारी पंचकुला यूनिट भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में तो हमारी पेंशनर एसोसिएशन है ही है, पर कुछ एक पेंशन मंत्री ने कल ये घोषणा कर दी है कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन जल्दी किया जाएगा। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी है कि ऑल इंडिया लेवल पे पेंशनर दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है, तो हम ये पेंशनर दिवस जो है इस बार भी स्टेट लेवल का मनाएंगे। इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे। वेन्यू का अब हम अभी डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाना है। पर इसके बाद जो पेंशनर की मेन डिमांड है कि 2016 के बाद के जो पेंशनर है उनकी रीफिक्सेशन होनी थी। 6th पे कमीशन की जो मिला है वो 45,000 के करीब है। उनके पेंडिंग केसेस एजी ऑफिस में पड़े थे, पहले तो ये टोटल 45,000 के करीब थे, पर हम एजी से भी वक्त वक्त पे मिले और 4 बार इस एसोसिएशन ने अकाउंटेंट जनरल से बात की। अब ये केसेस इस साल के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। अभी पेंडिंग केसेस तकरीबन 7,000 के करीब पड़े हैं। इसके बाद भी हमारी जो कोई भी छोटी मोटी जो डिमांड होती है हमारी, एक ये डिमांड थी कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डीसी से जो है हमारी जेसीसी की जाए, तो वो भी जो माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है उसके लिए भी आदेश दे देंगे जो भी। और उसके बाद भी जो पेंशनर की छोटी मोटी मांगे जो और भी है कोई, और एक जो बात है ये जब भी जेसीसी होती है उसमें इन मांगों का रिडर्सल होता है। हम बहुत आभारी है माननीय मुख्यमंत्री है महोदय के, उन्होंने की जो जेसीसी का गठन किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत कोष में 11,30,00,000 के करीब जो है दिया है। आने वाले दिनों में भी अगर कोई सरकार की तरफ से ऐसा कोई हमारे लिए आदेश आएगा तो हम और भी जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर है खुले दिल से देना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि डीए की किस्त जो हमारी 8% ड्यू है, आगे त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो आप जरूर हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को और कर्मचारियों को ये जरूर देंगे। हमें पूरी